आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। जब तक कोरोना का वायरस का प्रकोप रहेगा तब तक इन योद्धाओं की, सफाई योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी और जरूरत के साथ इनका मान सम्मान भी होना जरूरी है। ऐसी एक इस समय हम चरण भट्टे पर खड़े हैं और जो कि लखनऊ में पीजीआई के पास है, यहाँ भी एक सफाई योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। यहाँ भी सैनिटाइज दे करके फूलों की वर्षा की जा रही है। आइए देखते हैं। महिलाओं को आयोजन किया गया है और इस कॉलोनी को जो आप लोग मेंटेन करते हैं, बेसिकली इस कोरोना के टाइम पे, इस महामारी के समय पे जो आप लोग अपना कार्य सुचारू रूप से और नियमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, इस सब के लिए हम लोग पूरी कॉलोनी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो छोटा सा कार्यक्रम जो हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है, ये खासकर इसलिए आप सबके उत्साहवर्धन के लिए ऑर्गेनाइज किया है कि हम लोग इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं, हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय जब मतलब बाकी लोग घरों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं या और जो है अपने अपने पर्सनल काम कर रहे हैं, इस समय इस रिस्क को लेते हुए आप लोग जो ये काम कर रहे हैं सोसाइटी को सफाई करने का, जिससे कोरोना से छुटकारा पाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कोरोना का बेसिक काम ही सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई, सैनिटाइजेशन। तो इस सब के लिए पूरी कॉलोनी की तरफ से, आनंद सिंह राठौर जी की तरफ से, भारतीय सैनिक सेवा संघ की तरफ से आप सबका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। मैं सफाई कर्मचारियों का अपने मोहल्ले सिद्धिविनायक कॉलोनी की ओर से, समस्त जनता की तरफ से ये धन्यवाद देना चाहते हूँ कि इनका कार्यक्रम बहुत सराहनीय है और इन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित अपने घरों में रहते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है, ये पूर्व सैनिक कर्मचारियों की तरफ से तथा हमारे नगर निगम की ओर से और हमारे सहयोगियों की तरफ से, मीडिया कर्मियों की तरफ से भी आयोजन किया गया है, जिसमें आप सबका सहयोग यहाँ पर उपस्थित है। हमारे भी मंडल अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा जी भी उपस्थित हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आज इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ सैनिक देश किसान हैं, इन लोग को देख करके बहुत अच्छा लगा कि ये लोग सफाई कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया और इन लोगों को माला पहनाया, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। हम सभी टीम हमारे भारतीय पार्टी की तरफ से और इन सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। कॉलोनी के स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति, नगर निगम जो आठ द्वारा कई संस्थाओं ने मिलकर किया और आज इन्होंने सफाई कर्मियों को एक सैनिक योद्धाओं की तरह संबोधित किया या सम्मान दिया है। और उनका कहना है कि जिस तरह सैनिक बॉर्डर पर दुश्मन को घुसने देते हैं, इसी तरह ये सफाई योद्धा हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनियों में विषाणुओं को नहीं घुसने देते हैं, जिससे हम सुरक्षित हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इनकी भी स्वास्थ्य होने की कामना करें, इनको स्वास्थ्य होने के लिए वो सब संसाधन दें। आइए हम बात करते हैं अजय जी से। हमारे बीच विनोद कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं, आइए इनसे एक लंबी बातचीत करते हैं। विनोद जी बताइए, ये सिलसिला जो चला है कब से चला है और कब तक चलेगा? देखिए, ये कल हमने कृष्ण विहार कॉलोनी में भी किया था, वहाँ के उस एरिया के सफाई कर्मियों का हम लोग ने स्वागत सम्मान किया था। मैं भारतीय सैनिक सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ। तो इसके बाद अजय जी भाई हैं, इस पूरे जो एरिया के जो सारी चीज़ें देखते हैं, इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है हमारे साथ। तो हम लोग ने इस चीज़ को डिसाइड किया है कि जहाँ तक हो सकेगा हम हर क्षेत्र में जो भी सफाई कर्मी हैं,
वहाँ के जहाँ जहाँ पर एक जनता किचन चल रहा है, वहाँ के जो भी लोग हैं, इन सब का उत्साहवर्धन करते रहेंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये लोग इस तरीके से महामारी से के समय लोगों का कार्य करते रहेंगे। अभी इसके बाद परसों भी आशियाना सेक्टर जे का कार्यक्रम है। एक चीज़ आप देखिए कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो लोग ये कार्य करने के लिए उत्साहित हैं। अब ऐसा होता है कि जिसको पता चलता है कि ऐसा कार्यक्रम किया गया, इनका उत्साहवर्धन किया, लोग अपने से कह रहे हैं कि आप ऐसा कार्यक्रम हमारी कॉलोनी में कराइए, हमारी कॉलोनी में कराइए, ताकि हम अपनी तरफ से कुछ दे पाएँ। क्योंकि देखिए नॉर्मली लोग जो है लॉकडाउन है, घरों में बंद हैं, सब कुछ है, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में जो कुछ उनसे बंद पड़े, खासकर जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गरीब लोग हैं, खाने देने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे विनोद कुमार गुप्ता का कहना है कि जब तक ये कोरोना का वायरस का प्रकोप रहेगा, ये हमें स्वच्छ वातावरण देते रहेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इन्हें स्वस्थ रखने की, इनकी ज़रूरतों को पूरा करने की। कैमरामैन अनिल राज के साथ मैं भारत भूषण, ब्यूरो चीफ पुलिस राजू लखनऊ। आज सिद्धि विनायक स्कूल में आनंद स्कूल पढ़ता है ना, कॉलोनी ही सिद्धि विनायक कॉलोनी है, आनंद सिंह राठौर के यहाँ इतनी सफाई, इतनी सड़क ना बनती हुई सफाई देख कर बहुत खुशी हुई कि चलो रोड भी नहीं बनी, इतने सफाई कर्मी हमारे भाई लोग इतना अच्छा साफ सुथरा रखते हैं। इसके लिए मैं इस बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ। इनको तालियों से इतना स्वागत बढ़ा दीजिए, इनका उत्साह, ये इनका जोश और बढ़ जाए। अपने अजय सिंह का जो है बहुत स्वागत देता हूँ और उनकी टीम को भी, और साथ साथ हमारे सफाई कर्मचारी जो विषय तहत जैसे सुबह सुबह आके यहाँ पे सफाई कार्यक्रम का मतलब उसमें जो सुचारू से पालन करते हैं वो करते भी हैं वो, और मैं समझता हूँ भविष्य में भी करते रहेंगे वो, और इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए ये बहुत है वो, और ऐसे हम आपसे कामना करते ऐसे आप करते, आप लोग करते रहिए और कोरोना एक दिन भाग ही जाएगा वो। धन्यवाद। साइड हो जाओ आप, इधर आइए, किनारे हो जाइए आप, काट कर कर काट कौन सा काट मेरे पास साफ सुथरा आप तो पहले एड्रेस लिख दीजिए ना, नमस्कार, मैं सावित्री सिंह सेक्टर संयोजक कुंभाजपा में। सफाई कर्मचारियों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये लोग एक सैनिक की तरह से अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह से बॉर्डर पे एक सैनिक देश के दुश्मनों को अंदर घुसने नहीं देता है, उसी तरह से ये लोग अपनी नालियों की और सड़कों की सफाई कर करके एक एक विषाणुओं को जो हमारे जो आजकल कोरोना फैला है उस जैसे महामारी में भी ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये भी लोग एक सैनिकों के रूप में हमारे सामने हैं। एक सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करता है, ये तो सारे घर मोहल्ले हर जगह की ये लोग रक्षा करते हैं, इसलिए इन लोगों को तो ग्रेट सलूट करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए। धन्यवाद। ले लीजिए कोई बात नहीं, आप सब लोग बोल लीजिए। मैं सफाई कर्मियों को अपनी कॉलोनी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या नाम है मैडम? जिस तरह आपका अपने परिवार को दरकिनार करके इस इलाके की, इस क्षेत्र की साफ सफाई कर रही है, नगर निगम आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, क्या आपको जरूरत की चीज़ें मुहैया करा रहा है? हाँ,
अभी आपको कितना पेमेंट मिलता है? मिल जाता है, अब तो सही से मिल रहा है। नहीं, अभी कितना पेमेंट मिलता है? 6,000 मिलता है। 6,000 में क्या होता है? और होना चाहिए। किराया लगा के आओ इतनी दूर से। 14,900 रुपए का प्रावधान है, लेकिन आपको 6,000 मिलता है। 6,000 मिलता है सर। आपको पता है 14,900 रुपए का प्रावधान है प्रत्येक सफाई कर्मी को देने का, साथ में आपका बीमा भी? कुछ नहीं है बीमा में, तो कुछ नहीं पता नहीं क्या मैं 6,000 देते हैं। और जितने दिन आओ जो नागा करते वो पेमेंट कट जाता है। नहीं वो तो खैर सेट है, 6,000 मिलता है। चलिए ठीक, हम लोग की हजूरी है कि मेरा लोग का पेमेंट बढ़ाया जाए। ठीक, आज ही नहीं पूरा 4-4, 5-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 4 साल हो गए 5 साल लग गया। क्या नाम है आपको? हमारा सनी कुमार नाम है। आपको कितनी सैलरी मिलती है? सबको, हमको 6,000, सब लोग को 6,000 रुपए। कितने दिन से काम कर रहे हैं आज? हम करें 3-4 साल से काम कर रहे हैं, और 6,000 रुपए से ज़्यादा सैलरी कभी नहीं मिलती। अब तक आप लोगों ने कितने बार जो है सैलरी बढ़ने की जो है कोई एप्लीकेशन या कोई दरखास्त लगाई है? एप्लीकेशन की बात नहीं, मतलब हम लोगों ने कितनी बार सुना है कि सैलरी बढ़ेगी बढ़ेगी, मगर कहते लेकिन सैलरी कभी नहीं बढ़ाते। और जगह हम लोगों ने देखा, और जगह सुनने में आता है उन्नाव में सैलरी बढ़ गई है, हर जगह सैलरी बढ़ गई, मगर लखनऊ कभी नंबर ही नहीं आता है। आप सुविधा पर है या ठेकेदारी पर? हम लोग ठेकेदारी कारदाई संस्था से हम लोग ठेकेदारी पे हैं, मतलब कारदाई काम कर रहे हैं, और 6,000 से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। चलिए, वहाँ से सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे अध्यक्ष स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति नगर निगम लखनऊ, आज का जो कार्यक्रम है, सर्वप्रथम मैं श्री अनंत सिंह राठौर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में विनोद कुमार गुप्ता जी को, कि इन लोगों की प्रेरणा से आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये सफाई कर्मी का, ये बहुत ही अद्वितीय और सम्मान योग्य कार्यक्रम हो रहा है। इनको हम यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष बिजमोहन शर्मा जी, सावित्री जी, हमारे शुक्ल राकेश कुमार शुक्ला जी, तथा अन्य जो हमारे उर्मिला मैडम जो है, तथा अन्य भाई बहन जो है उपस्थित है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो सफाई का जो कार्यक्रम है, जो सफाई कर्मी है, इनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। ये जो है एक समाज का एक आईना है, ये लोग समाज के लिए, देश के लिए जो एक कार्य कर रहे हैं, ये सबकी बात नहीं है, इसलिए इनका सम्मान होना ही चाहिए। आज जब कोरोना नामक महामारी देश में फैल रही है, जिस तरह हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं, आज हमारे समाज में ये हमारे सफाईकर्मी, हमारे मीडिया बंधु, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, ये जो आज जो कार्य कर रहे हैं, एक सैनिक से कम नहीं है, इसलिए इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैं पूर्व सैनिक हूँ और मैं गौरव सेनानी संस्थान कल्याण का उपाध्यक्ष हूँ, साथ में हमारा सैनिक परिषद का भी मैं महासचिव हूँ, और एक छोटा सा व्यापार है हमारा महिला नाम बस, और ये सेवा का, जन सेवा का मौका हमारे अजय बाबू हम लोगों को प्रेरणा स्वरूप हैं जो देते रहते हैं, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और इन सफाई कर्मियों को जो हमारी शर्मा मैडम ने कहा कि इनका स्थान किसी सैनिक से कम नहीं है, इसमें अक्षरशः कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये हमारे बिल्कुल सैनिक की तरह ही काम कर रहे हैं। इनका भरोसा, ये स्वस्थ रहें, इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान देना हम सबका, समाज का ये नैतिक दायित्व है। ऐसी महामारी के समय हम लोग इनको सहयोग करें, इनके मोरल को बढ़ाएं, इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और ये क्योंकि यही ये समाज की सेवा कर रहे हैं, लिहाजा यही समाज का दायित्व है कि इन लोगों को, बहुत ही दैनिक कम वेतन पे काम करने वाले बच्चे हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जब भी सफाई कर्मी आते हैं उनको अपने मोहल्ले में पानी पिलाओ, उनको चाय पिलाओ, और उनकी उनसे पूछो कि बेटा कोई अगर तकलीफ़ है, कोई ज़रूरत है तो बताओ, आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं, कोई भी चीज़ है जो आपके लिए नहीं सुटेबल समझते हैं, उन बच्चों को दें, तो इससे आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान और उनका हौसला और बढ़ेगा और काम की प्रति जागरूकता होगी। मैं सभी अपने मीडिया कर्मियों को, सारे संयोजक को, आदरणीय राठौर साहब को, और उपस्थित पूर्व सैनिक एवं हमारे जो बीजेपी के जो महासचिव मैडम हैं, और उनका मैं स्वागत करता हूं, और सब आप सबका आने का बहुत विशेष धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।